नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक बड़े ही प्रिय दर्शक के अनुरोध पर आज का मैं ये एपिसोड बना रही हूँ। उन्होंने राहु के नक्षत्र परिवर्तन पे वीडियो डालने की पेशकश की है, तो देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सभी दर्शक मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, मेरे ज्योतिष वाले वीडियोस को देखते हैं और पसंद करते हैं, और भविष्य में आप क्या देखना चाहते हैं इसके बारे में भी आप लिखते हैं। आप मुझे ईमेल जरूर लिखते रहा कीजिए। ईमेल के लिए आपको ये जो स्क्रीन पे मेरी ईमेल आईडी आ रही है उस पे आप ईमेल भेज सकते हैं, मुझसे कंसल्टेशन ले सकते हैं या ज्योतिषीय परामर्श आप चाहें। अब मैं बात शुरू करती हूँ बिना किसी विलंब के राहु के नक्षत्र परिवर्तन की। तो देखिए 12 अप्रैल को राहु वृषभ राशि को छोड़कर मेष राशि में आ गए और 14 जून से वो अपने नक्षत्र को ही परिवर्तन करके अब भरणी नक्षत्र में भ्रमण करेंगे। भरणी नक्षत्र के स्वामी शुक्र होते हैं और ये किस तरह तीन राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा समय लेकर आए हैं राहु, इसके बारे में चर्चा शुरू करूं इसके पहले मैं आप सभी प्रिय दर्शकों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं और बेल आइकॉन भी हिट करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में देखिए राहु के बारे में मैं कुछ बात बताना चाहूंगी। राहु को कहा जाता है कि ये छाया ग्रह हैं, इसलिए हम एक्चुअली ये कोई ग्रह नहीं है, इनकी फिजिकल एंटिटी नहीं है, लेकिन ज्योतिष जगत में ये बहुत खासा मायने रखने वाले राहु और केतु को हम ग्रह मानते हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगी कि राहु से बहुत लोग नाम सुनते ही घबरा जाते हैं, लेकिन राहु देखिए ऐसी घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपकी महादशा राहु की चल रही है, स्पेशली या तो शुक्र की चल रही है, या राहु में शुक्र की अंतरदशा या शुक्र की महादशा में राहु का अंतरदशा चल रहा है, तो यकीन मानिए 14 जून से होने वाला ये गोचर आपके लिए बेहद ही शुभ रहने वाला है। ये वीडियो मिलने में हो सकता है आपको 2-3 दिनों की देरी हो जाए, लेकिन इसके लिए, इस देरी के लिए मुझे क्षमा करेंगे। राहु का अपना कोई रंग नहीं होता, वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके भाव को, उसके प्रभाव को बढ़ाते हैं। तो अच्छे ग्रह के साथ बैठे तो वो अच्छे प्रभाव को बढ़ाते हैं और क्रूर ग्रह के साथ बैठे तो उनकी क्रूरता को बढ़ाते हैं। राहु केतु के बारे में मैंने पिछले दिनों काफी भारत के प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर से भी बातचीत की थी, आप मेरे प्लेलिस्ट में क्वेश्चन आंसर के सेक्शन में आप देख सकते हैं। तो 14 जून को सुबह 8:15 पर राहु अपने नक्षत्र को बदलकर भरणी नक्षत्र में आ चुके हैं और यहाँ से देखिए तीन राशि वाले जातकों की किस्मत को वो कैसे पलटने वाले हैं। तो सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि के लिए ये राहु का नक्षत्र परिवर्तन बहुत शुभ रहने वाला है। शुक्र का गोचर भी अभी आप ही की राशि में है, तो ये शुक्र और राहु की युति, अगर आपकी महादशा राहु या शुक्र की चल रही है या अंतरदशा राहु या शुक्र की चल रही है, तो आपके लिए ये बहुत ही शुभ परिणाम लेकर आएंगे। राहु आपको देखिए किस तरह से इसका फलित हम कैसे करेंगे, तो राहु आपको अचानक से धन लाभ करा सकते हैं। राहु की एक ये खासियत है कि वो हर कुछ अचानक करते हैं, तो यहाँ पर आपको अचानक से धन लाभ के बहुत प्रबल संकेत हैं। नौकरी व्यवसाय में आपको बहुत शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे, आपका मन बिल्कुल खुश रहेगा और आपके मन से राहु के लिए जो डर है या उनके प्रति जो एक एप्रिहेंशन है वो बिल्कुल धुलता हुआ सा दिख रहा है। 2 जुलाई के लगभग एक हफ्ते पहले या एक हफ्ते बाद या एग्जैक्ट 2 जुलाई को आपको नई नौकरी मिलने के, या अगर आप ऑलरेडी नौकरीशुदा हैं तो प्रमोशन मिलने के बड़े प्रबल चांस हैं। तो अगर कुछ ऐसा होता है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए, इससे मुझे बहुत खुशी होगी। दूसरी राशि जो सबसे लकी रहेगी इस गोचर से वो है खुद शुक्र की ही राशि वृषभ।
टॉरस, यहाँ के भी राशि स्वामी आपके शुक्र होते हैं और शुक्र के साथ जब राहु आएंगे तो देखिए क्या होगा आपके। इस दौरान आपको धन लाभ प्रचुर मात्रा में होगा। सामाजिक मान मर्यादा, मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत बढ़ने वाली है। आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आप ऐसे तो राहु को बोलते हैं कि शर्म ये है राहु, कुछ मन में एक लालसा एक आस दे जाते हैं लेकिन उसे पूरी नहीं करते। एक हमारे जीवन में छद्म टाइप का एक एटमॉस्फियर बना के रखते हैं। कुछ ऐसा हमें आभास होता है कि कुछ अच्छा होने वाला है लेकिन अल्टीमेटली वो हो नहीं पाता। तो ये एग्जैक्ट राहु की जो मॉडस ऑपरेंडाई है, हो सकता है दूसरी राशियों के लिए हो लेकिन आपके लिए नहीं। यहाँ पर अगर आप पुनः मैं दोहराना चाहूंगी कि अगर आप नौकरीशुदा हैं तो ऐसे जातकों को प्रमोशन मिलने के मैं प्रबल चांसेस देख रही हूँ। पारिवारिक जीवन आपका बहुत सुखद रहेगा और सबसे अच्छी बात आपकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी। टच रूट, लेकिन कहते हैं कि जान है तो जहान है, एक तंदुरुस्ती हजार नियामत। तो सेहत बहुत अच्छी रहने वाली है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है आप सभी वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। तीसरी राशि जो सबसे इस गोचर से लाभ उठाने वाली है, सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाली है, वो है शुक्र की ही दूसरी राशि तुला राशि। लिब्रा एसेंडेंट, लिब्रा मून साइन, हम यहाँ पे मून साइन की ही बात करेंगे। राहु केतु को हम आपके चंद्र राशि से देखते हैं तो परिणाम मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है। तो शुक्र और राहु के बीच बहुत मित्रता का भाव रहता है। राहु भी एक स्वर भानु नाम के दैत्य थे और शुक्र भी दैत्य गुरु हैं, असुरों के गुरु माने जाते हैं, गुरु तो शुक्राचार्य भी। तो ये कॉम्बिनेशन आपके लिए बहुत लाभकारी साबित होने वाला है। आपके एक मन की इच्छा पूर्ण होते हुए मैं देख रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत एक लंबे समय से चली आ रही आपकी आकांक्षा पूरी होती हुई दिख रही है। ऐसा होता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा। सुख सुविधाओं में आपकी इन जनरल मैं वृद्धि देख रही हूँ। आपका जीवन एक ज्यादा कंफर्टेबल, एक बहुत कोजी लाइफस्टाइल को आप एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। नौकरी में पुनः प्रमोशन के प्रबल योग हैं। आप पदोन्नति की सीढ़ियां चढ़ते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप व्यापारी वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या बिजनेस वुमेन हैं, तो यहाँ मैं मुनाफा की विशेष स्थिति को देख रही हूँ। व्यापारिक लाभ की प्रबल संभावना है। आप किसी बड़े बिजनेस डील को क्रैक कर सकते हैं, बड़े बिजनेस डील आपकी झोली में गिर सकता है। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगी कि देखिए, बहुत ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, अगर आपकी जीवन में कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो आप मेरे कार्यालय से जरूर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल हमारे ईमेल स्क्रीन पे आ रहे हैं और इसके साथ मैं अपने ईमेल को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, वहां से भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलती हूँ आज की वीडियो में, बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे एक नई वीडियो में भेंट होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।